हाय गाइस, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल। हम खेल रहे हैं स्पिंटायर्स और आज हमने शुरू किया है वोल्केनो मैप। अच्छा, वोल्केनो मैप हमने पहले भी खेला है लेकिन बड़ा फटाफट निपटा दिया था हमने। शायद एक ही एपिसोड में हमने 6 पॉइंट पहुंचा दिए थे, उसमें नंबर तक भी चले गए थे एक ही एपिसोड में और ऑब्जेक्टिव तक भी पहुंचा दिए थे। अब हम क्या करते हैं, जो थोड़ा डिटेल में खेलते हैं इस मैप को। तो जैसा कि अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है एक नया स्टाइल, पहले जीप से स्काउटिंग कर लिया है और गेम शुरू हुआ है बहुत ही सही टाइम पे, 5:30 बज रहे हैं करीबन। तो चलिए शुरू करते हैं स्काउटिंग के लिए। मैं पहले निशान लगाता जाऊं, पहले मैं मैप तो देख लूं कैसा है। ओके, क्लोकिंग तो बहुत सारी है, बड़े एरिया में सिर्फ 4 क्लोकिंग है और एक छोटे एरिया में 5 क्लोकिंग है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, नॉर्मली शुरू करते हैं। जो जो क्लोकिंग पास पड़ती जाएंगी पहले उसे ही लेते जाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करें। मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो हम गलती हमेशा करते हैं ना, जीप को अपनी बहुत नुकसान पहुँचा लेते हैं, आज वो गलती नहीं करेंगे। मैं जीप को थोड़ा आराम से ही चलाऊँगा जिससे कि मेरी ये एंड तक साथ दे ले, वरना मैं ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ चलाता हूँ, ये देखिए तब भी वो 12-12 डैमेज लेती है। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ चलाता हूँ तो फिर एंड में जाके वो खड़ी हो जाती है, मुझे कोई और व्हीकल उठाना पड़ता है। और ये हम सब जानते हैं कि जल्दी स्काउटिंग अगर करनी है तो जीप की वास्तव में बहुत ज़रूरी है मदद। ये ले जा तो उधर रहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा रास्ते पर रहने की कोशिश करूँगा, डैमेज ना लेना। डैमेज बस बचानी है तो एक काम आप करिए, बस पत्थरों से बचाइए, जैसे कि ये भाई साहब हैं, और बचाने के चक्कर में उन्हीं के ऊपर से ले रहा हूँ। अगर मैं इन्हीं के ऊपर से निकल जाता तो ये बहुत डैमेज देते। ठीक है, ये जा रहा रास्ता, ये मैंने पत्थरों के ऊपर से फिर ले लिया। जा तो रहा है कहाँ, पेड़ों के बीच में ले जा रहे हो मुझे। चलो तुम जहाँ पर भी ले जा रहे हो, मैं जीप है तब तक जाता जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है मैं कहीं से भी निकल सकता हूँ। ठीक है, रोड के उस पार, वो रही दिख गई क्लोकिंग, दिख गई, सही है सही है। लेकिन ये इसके अंदर कैसे घुसूँ, पेड़ों के बीच में से ही ले लूँ फिर मैं? यार ये पत्थर भी हैं, अटक ना जाऊँ मैं, पेड़ों के बीच में से मैं ले रहा हूँ, सोच नहीं रहे। फिर फ़ायदा ही क्या जीप से आने का अगर इतना सोचेंगे तो। मुड़ जाओगे ना, बैक करना पड़ेगा। वो मुझे लग रहा है फंस गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, पेड़ बहुत हैं, लेकिन यह शुरुआत में फंसना ये किसी प्रॉब्लम का अंदेशा तो नहीं है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कोई प्रॉब्लम होनी होती है तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये थोड़ा सा ज़मीन ही ख़राब थी। चलिए जी, क्लोकिंग तो अपने को मिल गई है। अब मैं ये, अरे उधर से रास्ता था, मैं इधर से ही ले आया पेड़ों के बीच में से, यही तो फ़ायदा है। ट्रक व्रक होता तो मुझे रास्ता देखना पड़ता, घुमा के लाना पड़ता। चलिए दूसरी क्लोकिंग पे निशाना लग गया और मेरे बिल्कुल उधर है, तो मैं आगे से ही ले रहा हूँ। तो कोई रास्ता जा भी रहा है तो मैं इस पर ही देखे ले रहा हूँ कहाँ जा रहा है ये रास्ता, क्या पता कोई अच्छी रोड मिल जाए। अभी तो ये पूरा एरिया ब्लैक ही है, ये 2 क्लोकिंग ले लूँगा तो थोड़ा सा एरिया दिखाई देने लगेगा। यार ये एक छोटी सी रोड तो जा रही है, सही है इसी पे ले रहे फिर, और क्या है, बस थोड़ा सा आराम से ही चलाएंगे, ज़्यादा रोड देख के हम दीवाने नहीं होंगे कि रोड आ गई है तो थोड़ा मज़े ले लें स्पीड के। अभी कितनी डैमेज कर ली हमने, 36, सही है यार, इतनी सही है, वरना इतनी देर मुझे आप जानते ही हो, देते हो आप, मैं 100 डैमेज कर लेता हूँ और फिर हम बैठ जाते हैं मुंह खोल के कि आप क्या करें, दूसरा व्हीकल लाया जाए। हाँ यार ये बड़ा उधर से मुड़ रहा है, अरे तेरी, ये आप देख रहे हो, एक सेकंड ब्रेक लगा ले जीप, ब्रेक लगा ले, एक चीज़ दिखाऊं सबको, ये देखना, और किसी को धोखा हो इधर से ही निकल जाए तो उसका क्या हाल हो, व्हीकल कहाँ जाएगा, व्हीकल जाएगा इस गड्ढे में सीधा और फिर आप जो करते रहो, देख रहे हो आप कितना बड़ा धोखा है ये, वो तो मैंने देख लिया एकदम से कैसे टिल्ट हो रहा है ये।
अरे हद हो गई यार, इससे बच के निकलना पड़ेगा अपने को। चलिए फिर इससे बच के ही निकलने, थोड़ा बैक करके ले लूँ मैं। ये बड़ा खतरनाक सा था, उस पर ही अगर चले जाओ सीधे आप नीचे ही हो फिर उसमें खाई में। लेकिन वो भी ज़्यादा मुझे वो खतरनाक लग नहीं रही थी, अगर उसमें जीप गिर भी जाती तो हम निकल ही आते, कोई दिक्कत थी नहीं वैसे। ये मुझसे कह रहा है वेस्ट में जाने को, कंपास ठीक है, ये रास्ता मुझे दिखाई तो दे रहा है इधर कहाँ। क्लोकिंग मैं लिए जा रहा हूँ अब, लेकिन अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा जिस रास्ते पर हम चले हैं ना, ये ज़मीन ज़्यादा ख़राब है नहीं, मतलब जीप को अभी तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं है। या हो सकता है मैं ही थोड़े से सही रास्तों से लाया हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा है। लेकिन अभी तक मुझे जो है दलदली भुरभुरी मिट्टी वाला इलाका अभी तक तो कोई मिला नहीं है जिसमें जीप फंस जाए। ये मिल गई अपने को अगली क्लोकिंग, दो क्लोकिंग अपन लोगों ने ले ली, सामने पत्थर है उन पर मैं गौर कर लूँगा। अभी ये मैप कुछ खुल गया है, ठीक है ज़रा इस पर गौर से देख लिया जाए। ठीक है अब अपने को जाना तो देखिए इस क्लोकिंग पे, ठीक है ये काफ़ी दूर लग रही है मेरे को, और इधर जाने के लिए मैं इधर पेड़ों वेड़ों के बीच में से लूँ, क्यों ना अपन लोग रोड से ही चलें। मैं इधर ले लूँगा रोड पे इस पे, और फिर इधर इधर निकल आएंगे अपन लोग, और फिर ये रोड जहाँ ले जाएगी मैं उस पर ही चला जाऊँगा। उसके आगे तो दिखाई नहीं दे रहा फिर कहाँ जा रही है रोड, उसके आगे मैं स्ट्रगल कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल इस पर चलते हैं। तो मैं बिल्कुल बैक कर लूँ, ठीक है बैक कर लूँ, ये मैंने बैक कर ली जीप। ठीक है अपने को जाना ईस्ट में, ओके। डैमेज कितनी चल रही है अपनी, 57 हो गई, ठीक है इतनी से तो मैं डील कर लूँगा। ये आ गए हम खुले खुले एरिया में, ये जो ये अब मिट्टी आई है ना ये ख़तरनाक है, इसमें मैं थोड़ा तेज़ी से ही निकाल रहा हूँ जिससे कि हम फंस ना जाएं, पहले से मोमेंटम हमारा बना रहे तो ज़्यादा बेटर है। और अपने को जाना है उधर, उधर जाना है, ठीक है ठीक है। लगातार चलती रहो जीप और डैमेज ना लेना, दो डैमेज हो गई। पत्थर तो नहीं है यहाँ पे, हैं पत्थर हैं, ये पत्थरों पे ही ले रहा हूँ मैं, यस 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 पत्थरों पे ही तो नहीं लेना अपने को, यही फंसा लेंगे। एक बार को मैंने देखा मिट्टी भी नहीं फंसाएगी लेकिन आपको पत्थर ज़रूर फंसा लेगा ये। अब थोड़ा सा जैसे ही चौड़ी रोड आती है ना, इस पर पहले से ही बड़े बड़े ट्रक गुजरे होते हैं ना, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। ना 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 ना, आप देखो सामने वाली रोड पे तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, ना ना ना, जो आप देख रहे हो सामने पानी भी है पत्थर भी हैं, उस पर तो अच्छे अच्छे ट्रक जो है फंसने लगते हैं, तो मैं जीप को तो बिल्कुल नहीं लूँगा। ये देखते हैं इधर से कोई छोटा सा अगर जा रहा हो रास्ता तो इधर से ही लेने की कोशिश करता हूँ। अच्छा कोई साफ़ सुथरा सा रास्ता मिल जाए, फ़िलहाल ये जंगल घना ज़्यादा लग नहीं रहा है। और हम कहाँ निकल आए, ठीक है जाना भी अपने को उधर ही है। आ आ आ, ये मैंने पेड़ में मार दी, इधर वैसे पत्थर लग नहीं रहे। ये जंगल का अच्छा शॉर्टकट मिल गया वैसे अपने को, प्यार से निकल आए। अब आगे तो पत्थर नहीं है, ये इनसे भी बच लूँ मैं। आगे मुझे रोड क्लियर लग रही है, सही है, अरे सही निकल आए पूरा। आप देखो वो वाला हमने एरिया जो है, ये जो एरिया था इधर से आना था रोड से, वो हमने साफ़ कर लिया अपना, इधर से आ गए, बढ़िया अब तो बिल्कुल प्लेन रोड है। लेकिन ज़्यादा मैं स्पीड के मज़े ना लूँ और गौर रखूँ कहाँ जाना है अपने को, क्योंकि एकदम ही बम्प लगेगा। ठीक है लेकिन मैं बताऊँ इस रोड पर आते हैं हम, यहीं कहीं लंबर होनी चाहिए, मैं आपको बताऊँ उतना मुझे याद आ गया है। जी हाँ देखिए मैं कह रहा हूँ इस रोड पे आते थे और थोड़ा सा कट लेके लंबर तक हम जा सकते हैं, लेकिन अपने को जाना है क्लोकिंग तक। ठीक है यहाँ तक तो आई गए हैं सनम, यहाँ ना फंसूँ मैं, जाना है अपने को इधर। अब मुझे लग रहा है ये रोड वोड का एरिया अब ख़त्म हो रहा है, ये कहाँ ले जा रहा है मुझे रास्ता, ये थोड़ा डाउटफुल हो रहा है मुझे, कन्फ्यूजन सा हो रहा है किधर से जाऊं, इधर से जाऊं उधर से जाऊं। एक छोटा सा रास्ता मुझे दिखाई तो दे रहा है, इधर से नहीं होगा तो वापस हो लूँगा, ये मुझे कुछ रास्ता सा दिखाई दे रहा है और पेड़ भी नहीं है यहाँ पे। रास्ता तो है चलिए इतनी बात तो है अपनी कि रास्ता तो है, लेकिन ये कितना अच्छा रास्ता है और कहाँ पहुँचाएगा ये और देख लें।
क्योंकि क्लोकिंग का भी अभी पता ही नहीं है। ये तो उधर मुड़ गई क्लोकिंग। ठीक है, कहाँ जा रही हो क्लोक? अरे यार ये तो सामने जा रही है यार। अरे ये तो लेक के भी उस पार जा रही है। आप देखो ये निशान देख रहे हो आप, लेक पानी के उस पार जा रहा है। ये लेक है, रिवर तो नहीं है, खैर लेक ही है। और मुझे इधर कोई ज़मीन भी नज़र नहीं आ रही। ना ना ना, जीप से हम रिस्क नहीं ले सकते और क्लोकिंग काफ़ी दूर है। ठीक है, अच्छा दिख गया, मैं इधर से ही ले रहा हूँ अगर कोई रास्ता हुआ ज़मीन ज़मीन पे। आगे जाने से तो हाँ ये जा रहा है रास्ता एक छोटा सा। ठीक है सही है, अपने को आसानी हो गई, इधर से ही ले रहे हैं। ये यार थोड़ा सा दलदली सा इलाका लग रहा है, लेकिन अपने को पेड़ भी बहुत हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत हुई तो हम बच लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो पेड़ लेकिन जगह ही जगह पे हैं, पेड़ कोई हर जगह नहीं है। मैं एक साइड में भी नज़र रखूँगा अपने राइट में कि कहाँ पर ये ज़मीन जो है शुरू हो जाएगी उस साइड, लेक के उस साइड जाने वाली, जिससे कि अपन लोग फ़ौरन मुड़ जाएँ राइट में और देखें क्लोकिंग कहाँ पर है। ये मैं सही ले आया हूँ क्या इधर? हाँ ये देखिए ये ख़त्म हो गई। ठीक है, और आप देखो बिल्कुल सही डिसीजन रहा, मैं आपको दिखाऊँ, देखिए कोई ज़मीन नहीं है उधर, और वो बीच में जो जगह दिख रही है वो मुझे नहीं लगता कि कोई मडी वाटर है। कोई ट्रक होता तो मैं एक बार को ले लेता रिस्क, और मुझे क्लोकिंग भी दिखाई दे गई। ठीक है जी, वो रहा चक्कर, वो घूम रहा क्लोकिंग का। चलती जाओ जी, अब तो आ गए मिशन तक। ये देख रहे हो आप, किनारे पे ही चला रहा हूँ तो भी उसमें डेंजरस वाटर लेवल आया था फौरन। ये पहुँचे हम अपनी मंजिल तक, अब देखें अगली क्लोकिंग कहाँ। सही है, ये भी निपट गई और काफ़ी तेज़ी के साथ हम लेते ही चले जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इलाके का जायज़ा ले लूँ। ठीक है, ये है क्लोकिंग, उसके बाद हम उधर निकल लेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये पानी पानी के किनारे पे ही चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा है मैंने कि पेड़ नहीं होते हैं, आप पानी के इधर ही उधर चलाते रहो तो डैमेज ज़्यादा नहीं। हाँ ये इलाका भी मुझे खाली से ही लग रहा है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसीलिए तो यहाँ लेके आया था। यार ये अभी मैंने 110 थी और 156 कर ली, आप देख रहे हो अभी 110 थी और 156 कर ली ज़रा सा वायलेंटली लेके। यही तो अपने को रोकना है, और इसी पे कंट्रोल नहीं होता, बस वही आदत है कि एक्सीलेटर पे रखे रहो उंगली। ये सही निकल आया अपन लोग, सामने कहीं बता रहा है रास्ता और मुझे खुला ही नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत की ज़्यादा बात दिख रही नहीं है। चलो भाई, बस थोड़ा सा अपन ज़्यादा स्पीड ना रखें। दिख गए, क्लोकिंग दिख गई। ओ ओ, एक ही डैमेज है। चलो चलो, चलते जा चलते जा। एक्चुअली में जहाँ जीप अटकने लगे ना, वहाँ थोड़ा सा एक्सीलेटर छोड़ देना चाहिए। अगर आप इसे ज़बरदस्ती चलाते रहोगे ना तो ये चलती तो रहेगी, लेकिन फिर ये उछल उछल के डैमेज लेती है। जैसे आप देख रहे हो ये इतनी उछल जाती है। यार ये क्लोकिंग आराम से मिल गई यार, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल उस साइड ही थी, मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। बढ़िया बढ़िया, अब अपने को लेनी है ये क्लोकिंग। और हैं कहाँ पे अपन लोग? ठीक है, अरे मैंने इतनी देर से ये नहीं देखा अपने को कोई व्हीकल मिला है। अरे मिला तो है यार, भाई लोग क्या बोलते हो यार, मिला तो है एक व्हीकल 4320, और ये कहीं पे है। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, इस मैप को इसलिए वॉलकैनो मैप कहते हैं क्योंकि इसमें ये वॉलकैनो है। आप देख रहे हो ये ऊंचा पहाड़ पूरे इलाके में बना, वो वॉलकैनो है, उसके बीच में आप देखो क्रेटर भी है, और वहाँ कहीं 4320 खड़ा हुआ है। यार इसको तो देख के आना है यार, ये क्या जगह है। क्लोकिंग व्लोकिंग गई तेल लेने यार, मैं इसको देखने आ रहा हूँ, और अनलॉक भी कर लेंगे अपन। तो फिर क्या रूट लें अपन लोग? ये मैं वापस रोड पर आऊँगा, नहीं नहीं मैं उस क्लोकिंग पर नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस इस रोड पर आऊँगा, और फिर इस रोड से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ कुछ चढ़ने का एरिया दिखाई दे रहा है। हाँ ये है यहाँ, और फिर मैं इस पर चढ़ जाऊँगा। ठीक है, ये रास्ता है, और कोई मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हमें चढ़ना है पहाड़, तो खड़ी चढ़ाई होगी तो कोई मतलब भी नहीं है, जीप से तो घंटा भी नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए कोई रास्ता ढूंढना ज़रूरी है। चलो यार देख के आए यार, वॉल्केनो कैसा है यार, स्काउटिंग करने का फ़ायदा यही तो है, इलाका भी तो देखने को मिले, और वो भी तेज़ी के साथ। 177 डैमेज चल रही है, बढ़िया है। अभी तो 200 हैं पॉइंट्स अपने ट्रंक पे हैं, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है।
बस मैं थोड़ा सा ये जोश में आके 16-16 की डैमेज ना देता रहूं, जहां अटके जीप वहां पे रेक्सीलेटर छोड़ता हुआ चलूं। आवाज़ आने लगी गंदी गंदी जीप में ऐसे। अच्छा अब कहां जाना है, मैं सही जा रहा हूं, बिल्कुल सही जा रहा हूं, इसी रोड पे चलना है अपने को। नहीं जी मुड़ जाना है, मुड़ जाना है, और कंपास भी कह रहा है कि मुड़ जाओ। ठीक है मैं मुड़ गया और मैं चलता भी लगातार जा रहा हूँ। खैर एक और अच्छी बात है, स्काउटिंग व्हीकल अपना जीप जब हो ना तो आप डीजल वीजल की चिंता भूल जाओ। हम इतनी देर से चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं और आप देखो कितना हुआ है, काफ़ी बचा हुआ है, मतलब कोई दिक्कत की ऐसी बात है नहीं। ये खाली जगह आ गई तो मैंने स्पीड पकड़ ली है, बस मैं ज़्यादा कहीं चोट ना मार दूँ, धीमे 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 कर लेता हूँ। ठीक है सीधी अपनी रोड जा रही है मस्त तरीके से। एक पहिया मैंने बाहर रख रखा है, एक पहिया धसी हुई मिट्टी में चला रहा हूँ मैं, पत्थर से बचाया। चलती जाओ, बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्या व्हीकल है, जीप भी बड़ा मज़ा आने लगा है जीप चला के। हर समय इसमें ताकतवर ट्रक चलाते हैं, ये हमने नया सिस्टम जो निकाला है ये ज़्यादा बढ़िया है। ये देखिए मुड़ने का साइन आ गया, ये अपन लोगों को यहाँ से मुड़ जाना है, ये इधर बता रहा है कहीं। ये देखा छुपा हुआ रास्ता था, कभी ज़िंदगी में ना पता चलता अगर वो मैंने मार्क ना कर रखा होता तो। ये पत्थरों के ऊपर से ले लिया है, डैमेज हल्की सी लगी, कोई दिक्कत नहीं, सीधी रोड जा रही है। वाह ये बढ़िया है, मस्त तरीके से सीधी रोड जा रही है, चलते जाओ। वैसे अपनी डैमेज भी बहुत हो गई है, और देखिए ट्रैक्टर जैसी आवाज़ आने लगी अपनी जीप में से। इसकी डैमेज का अब जो है ट्रंक पे जो रखे हुए हैं वो लेने ही पड़ेंगे अब, 200 पॉइंट्स, टाइम आ चुका है, 225 75 रह गई है अब। वैसे मैं सोच रहा था कि ख्याल से चलाऊंगा ख्याल से चलाऊंगा, लेकिन मुझे और ज़्यादा अब ख्याल से चलानी पड़ेगी ये जीप, इतना वो प्यार से चलाता हुआ आया हूँ तो भी। अरे यार मैं बकवास छोड़ूँ यार, ये सही में यार हम बहुत ऊँचाई पर चढ़ के आ गए हैं। मैं अभी पहले मैं देखता हूँ वॉल्केनो कैसा है, अभी मैं व्यू आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसे अनलॉक कर लूँ पास ले आके, कैसा यार मैं भी देखूँ यार, मैंने भी नहीं देखा कभी वॉल्केनो। वाह ओ आगे मत जाओ जीव ज़्यादा, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर इसके अंदर कोई व्हीकल गिर गया तो उसका रेस्क्यू कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। वो मस्त है यार, मस्त है ये एरिया, बहुत मस्त लगा मेरे को, सही है यार। मैं भी बिना देखे उसमें आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, गिरी जीप तो ऐसी तेजी हो जाएगी, बचाने वाला कोई आएगा नहीं। ये अच्छा एरिया आप देखो इस, और इसमें एक और अच्छी बात है, जैसे पहाड़ों पर नहीं होता रिसर्च करने के लिए कुछ लगा देते हैं, या तो मोबाइल टावर्स होते हैं या और कुछ होता है, वो कमरा भी बना हुआ आप देखो, और ऊपर तक ये खंभे आ रहे हैं, बिजली के लाइटें जल रही हैं, बढ़िया यार बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सीन भी ये देखो कितनी दूर दूर तक का आ रहा है, मतलब इस एरिया का, मतलब मैं देखूं पहले, इस एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, मतलब आप सबसे ऊंचे पॉइंट पे खड़े हुए, इसलिए कहते हैं इस वॉल्केनो में। ओके वाह यार मस्त यार, बहुत बढ़िया, देखना आप दूर दूर तक का व्यू आ रहा है। अरे मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं की, आपको एक और बात बताऊं, अपने को ये ट्रक मिला है और इस पर लदा हुआ है, ये देख रहे हैं आप यूटिलिटी व्हीकल। अरे सही है यार, ये जीप के मैं अपने खर्च करूं पॉइंट इससे लिए ले रहा हूं, बहुत सही। ला भाई 4320 तू सही मिल गया भाई, तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तेरी डैमेज तो नहीं है लेकिन तुझ में फ्यूल नहीं है, इसलिए मैं तेरे को परेशान नहीं करूँगा, तू यहीं खड़ा रहे, तू बस मेरी डैमेज सही कर दे, थैंक यू, बाकी काम मैं जीप से ही कर लूँगा, तुम यहीं आराम करो बैठे बैठे। गाइस अब एक काम करते हैं, आज अपना ये इतना तो हो ही गया है, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, आगे की स्काउटिंग हम करते हैं और क्या क्या बचा हुआ है, 5 क्लोकिंग बची हुई हैं अगले एपिसोड में लेते हैं, और सीधा अगले एपिसोड में ही क्लोकिंग अगर टाइम पर मिल गई तो एक अपना बहुत पुराना ख्वाब है वो पूरा करेंगे, वो ख्वाब भी मैं आपको अगले एपिसोड में बताता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली बार स्पिन टायर्स में, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और बताइए आज का गेम प्ले कैसा लगा कमेंट्स में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा।